संडे का दिन था, स्कूल को छुट्टी थी, तो कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। सौरभ के पास एक एप्पल था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस एप्पल से गेम खेला जाए। तो उसने समीर से कहा, समीर तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तो इस एप्पल को ऐसे पकड़ो कि ये एप्पल तुम्हारे अलावा सभी को दिखे लेकिन तुम्हें ना दिखे। समीर सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन समीर बहुत होशियार था, थोड़ा सा दिमाग लगाता है और इसे पॉसिबल करके दिखा देता है। दोस्तों क्या आप सोचकर बता सकते हो क्या कि समीर ने ये कैसे किया होगा? तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। समीर ने सौरभ के इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। समीर ने उस एप्पल को अपने सर पर रख दिया, जिससे क्या हुआ कि वो एप्पल सभी को दिखाई दे रहा था लेकिन खुद समीर को नहीं। दोस्तों पजल पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों पजल नंबर 2 में आज हम आपको एक सिंपल सी मैथ पजल पूछने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो चलिए हम इसके लिए 10 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। मुझे पता है भाई कि आप में से 99% लोगों ने इसका जवाब सही दिया होगा। तो इसका सही जवाब है 12। तो देखिए ऐसे तो इस प्रकार आ गया ना 12। तो क्या आपका भी जवाब 12 था? तो वाकई में यार आपका मैथ बहुत पक्का है। तो चलिए जल्दी से फिर से आपके सामने कुछ शब्द आए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द बाकियों से अलग है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका सही जवाब दीजिए। भाई मुझे 100% पता है कि आपने इसका जवाब सही दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है सड़क, क्योंकि सड़क आदमी ने बनाई है, जबकि ये 3 शब्द नैसर्गिक है। तो इसका सही जवाब है सड़क। तो चलिए जल्दी से अब हमें बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो भाई जरा सोचो सोचो। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं, और वह शब्द है नहीं। देखिए भाई हम नहीं को नहीं ही पढ़ेंगे ना, और क्या पढ़ेंगे। तो उसका सही जवाब है नहीं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। तो पिछले वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर था भाला फेंक। तो उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे, शिवा मलवा, सुमन श्रीवास्तव, धनश्री केरकार, केएल राहुल, मेहराज अंसारी। दोस्तों आप 5 को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों भाई आपको तो सभी गाने पता है ना। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर से किस गाने का नाम बनेगा। तो अच्छे से सोचिए क्योंकि यह तो सभी का फेवरेट सॉन्ग है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं।
और वह हिट सॉन्ग है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। दोस्तों, क्या यह आपका भी फेवरेट सॉन्ग है? तो वह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।